आज आपने क्वेश्चन पूछ के दूसरे लोगों को भी बड़ी मदद कर दी है। तो चलिए साइकोलॉजी लेवल पर बात करते हैं कि साइकोलॉजी लेवल होता क्या है। सबसे पहले इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे पूरा स्तर मनोविज्ञान का है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि 47,000, 45,000, 300 पे आ जाए तो मैं एंट्री करूंगा, और ऑपरेटर यहाँ तक लेकर आ रहा है कि आपको एंट्री करवाए, क्योंकि साइकोलॉजी उनकी ये है कि तुमको कूदवा है और तुम्हारी साइकोलॉजी है कि मैं कूदूं। अब साइकोलॉजी ट्रेडिंग को लेकर के लेवल्स पर मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स दे देता हूँ, जिसको ध्यान में रखते हुए आप समझ जाएंगे कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग लेवल्स पर कैसे है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि होता क्या है। अब जैसे ही मार्केट आपके साथ गेम करनी होती है तो क्या करती है, यहां से मार्केट नीचे आ रही होती है। अब नीचे आ रही होती है तो इसका मतलब यहां पे कौन आ रही है, साहब सेलर्स आ रही होती है। करेंगे हम लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं, सफल बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आपने यात्रा सीरीज को सफल बनाया, उसी तरीके से आप पूछताछ सीरीज को भी सफल बनाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ हम दो लोग एक दूसरे का हैंड होल्ड करते हुए चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि प्रश्न आपके होते हैं और जवाब हमारे होते हैं ना। तो आज आपके प्रीवियस वाली वीडियो को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट ने हमसे पूछ लिया कि सर साइकोलॉजी ट्रेडिंग तो आपने बताई नहीं, आपने सिर्फ एक्चुअल लेवल से स्टार्ट किया। माय डियर, आपने एक्चुअल लेवल पूछा था इसलिए मैंने एक्चुअल लेवल बताया। पहले इस पूछताछ सीरीज के ना तरीके को समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं ज्यादा हो जाए और मैं उस चीज को फुलफिल ना कर पाऊं तो कहीं ना कहीं एक टीचर का धर्म जो है ना वो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले इसका आधार समझिए। पूछताछ सीरीज का मतलब ये है कि इससे पहले आपने कोई चीज पढ़ ली है, इतनी सी कोई समस्या थी वही आप पूछना चाहते हैं। तो मैं क्या मान के चलता हूं, कितना कुछ आपने पढ़ लिया है, इतनी सी ही समस्या थी और मैं उसी का आंसर देता हूं ना। तो रिलेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ये ना हो कि सर ये चीज नहीं बताया मैंने। क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि वो चीज आपको आती है तभी आपने ये चीज पूछा है। तो आज आपने पूछा कि ये साइकोलॉजी ट्रेडिंग क्या होती है, तो चलिए साइकोलॉजी ट्रेडिंग पर काम करते हैं। साइकोलॉजी ट्रेडिंग ना सबसे ज्यादा ट्रैपिंग के लिए काम होती है और सबसे ज्यादा रिटेलर साइकोलॉजी ट्रेडिंग पर ही काम करते हैं। क्वेश्चन तो आपने लाजवाब पूछ लिया, लेकिन इसका उत्तर बड़े क्लियरली साउंड के साथ समझेगा। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी बेस आपने क्वेश्चन पूछा है। सबसे ज्यादा जो रिटेलर्स है ना, जो आप देखते हैं ना किससे भी आपको एक गाइडलाइंस देती है, हर एक ब्रोकर्स को मैंडेटरी हो गया है कि आपको इस बात को लेकर के सचेत करना कि 10 में से 9 लोग यहां मारे जा रहे हैं, और फिर भी लगातार एक बहुत बड़ी ट्रैफिक इसमें आती जा रही है। क्यों? साइकोलॉजी। कुछ तो मनोवैज्ञानिक चेंज आया है ना कि अचानक से इस लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो गया है, उसको कहते हैं साइकोलॉजी लेवल। अब साइकोलॉजी लेवल क्या होता है, बड़ा आसान लेवल होता है, इसमें कुछ पढ़ना वढ़ना होता नहीं है। इसमें तो खाली एक थॉट ऑफ प्रोसेस होती है कि हम जितना पैसा मेहनत से लाए हैं उसको यहां पर दे करके कुछ गरीब लोग जो प्रोफेशनल हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग्स हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं ना, बिग प्लेयर्स हैं, वो सब गरीब लोग हैं। तो आप क्या करते हैं, ये सोच करके चलते हैं कि मैं अपना पैसा आज लाया हूं बिना सीखे बिना पढ़े एक जुए का एटीट्यूड करके। साइकोलॉजी ट्रेडिंग इज अ वेरी इजियर टॉपिक, इसके तहत हम एंट्री कर लेते हैं, लेट से देखते हैं क्या होता है, और फिर आप उन गरीब आदमियों को बेचारों को जो 10 में से 1 है खाली उनको अपना पैसा दे देते हैं, और फिर इस उम्मीद में वापस लौट जाते हैं कि आज भी हुआ है तो क्या बात है, कल फिर हो जाएगा। लेकिन आप उस ट्रेजेक्ट्री को नहीं देखते, आप उस साइकोलॉजी को नहीं देखते हैं कि यही थॉट ऑफ प्रोसेस के साथ डेली ट्रैफिक बढ़ रहा है और डेली से भी को ये बताना पड़ रहा है कि 10 में से 9 लोग यहां पर मारे जाते हैं। तो आज आपने क्वेश्चन पूछ के दूसरे लोगों को भी बड़ी मदद कर दी है। तो चलिए साइकोलॉजी लेवल पर बात करते हैं कि साइकोलॉजी लेवल होता क्या है। सबसे पहले इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे पूरा स्तर मनोविज्ञान का है। ये वाला सबसे खतरनाक भी है और इसी पर सबसे ज्यादा ऑपरेटर काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि तो यहीं पर एंट्री और एग्जिट सबसे ज्यादा हो जाती है। तो अब आप समझिएगा कि साइकोलॉजी लेवल क्या होता है, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर है, बैंक निफ्टी ले लेते हैं, 45,200 पर है, 46,200 पर है, लेट से एक एग्जांपल ही लेना है। अब फिर 46,200 से उसको लगता है कि साहब आज 46,300 हो जाएगी, 46,400 हो जाएगी, 46,500 हो जाएगी। उस साहब से कोई पूछे कैसे पता, लग रहा है उसको खाली,
अब लग रहा है तो भाई उसने लगा दिया पैसा, इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक स्तर पे उसको ऐसा लगा कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। वहीं पे किसी दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि इस वाले लेवल से साहब मार्केट नीचे आ सकती है, आप जरा उससे भी पूछ लीजिए कि भैया कैसे लगा, तो उसका उत्तर है कि लग रहा है। तो भैया ये लोग जो लेकर आए हैं पैसा, वो किसी को देंगे ना, और वो किसको देंगे? जो लोग सीखे हैं, जो लोग प्रोफेशनल हैं, जिसको को अपना करियर मान के चले, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी साधना करते हैं, जो मार्केट में आते हैं तो जुए का एटीट्यूड लेके नहीं आते, उनके यहां जेब में वो पैसा देकर चले जाते हैं। चलिए एक कदम आगे देखते हैं। अब यहां पर साइकोलॉजी क्या बिल्डिंग हो रही है, क्योंकि इजी टू कीप इन माइंड, यहां पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का गेम ही नहीं है। यहां पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का गेम क्या है इसको समझिएगा। उनको लगता है 45,300 पर मार्केट आई है साहब, 45,400 पर तो कुछ करेगी। कुछ करेगी मतलब या तो यहां से ऊपर चली जाएगी या तो यहां से नीचे चली जाएगी। तो 45,400 के स्ट्राइक प्राइस को वो क्या मान के चलते हैं? नीचे से आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, ऊपर से आ रहे हैं तो इस वाले स्ट्राइक प्राइस को ये सपोर्ट मान के चलते हैं। उनका वजूद बड़ा सिंपल है, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी साइकोलॉजी बड़ी सिंपल है, क्योंकि उनको करना थोड़ी ना, वो 10-20-50 हजार रुपए जो लाए उनको देना ही है, तो ध्यान रख लेते हैं किसको दें ना, तो वो आराम से ही देख लेते हैं कि 45,400 पर अगर है तो हम नीचे वाले को दे देते हैं, और 45,200 वाले सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसी तरीके से वो अपनी साइकोलॉजी के साथ अपने आप को जिताते हराते दोनों रहते हैं ना। और डेटा लेस अगर बात करोगे तो डेफिनेटली आपका मनोविज्ञान पे ही आप काम कर रहे हैं, और मनोविज्ञान पर काम करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। यहां पर दो पक्ष में बिल्कुल क्लियर कर दूं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, बिग प्लेयर की एंट्री हमेशा साइकोलॉजी बेस्ड एंट्री होती है, वो उसी चीज का फायदा उठाते हैं जहां पर आप कमजोर हो जाते हैं। ये साइकोलॉजी, ये मत सोचिएगा कि ये साइकोलॉजी सिर्फ हराने का काम आ रही है, यही साइकोलॉजी किसी दूसरे के लिए जीतने का भी काम आ रहा है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग एक तरफ मौत का कुआं है तो एक तरफ सुनहरा बात है। सबसे बड़ा, अगर आप कभी भी किसी भी ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या कहीं पर भी जाकर के ना, अगर आप सीखने की प्रवृत्ति रखेंगे तो सबसे पावरफुल जो क्लास होती है ना वो साइकोलॉजी बेस्ड क्लास होती है, ठीक है ना। तो एक तरफ मैंने बता दिया कि मनोवैज्ञानिक स्तर आपका है जो पैसा दे रहा है, और एक मनोवैज्ञानिक स्तर उसका है जो पैसा लेने के लिए भी बैठा है, और दोनों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड हो रहा है। फिर से समझिएगा, मैंने बड़ी बात बोली है, साइकोलॉजी क्वेश्चन पूछे हो तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप भी मजबूत होइए, तब तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब भैंस के आगे बीन तो बजनी नहीं है ना, तो अब आप समझिए कि साइकोलॉजिकल अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो आप साइकोलॉजिकल कितने मजबूत हैं। अब आप ऐसा तो नहीं कि 2 मिनट बाद आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो साइकोलॉजिकल आप कमजोर हैं, आप मानसिक रूप से ग्रसित हैं, इसलिए आप इस चीज को क्यों, क्योंकि आपको डेटा से मतलब ही नहीं है। बात को मेरी बड़ी गंभीरता से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने पूछा है। तो एक टीचर का धर्म यह है कि आपको क्लियरली शॉर्ट्स में बताए। तो मैंने आपको क्या बताया कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग एक जगह पर हमारे लिए मौत का कुआं है तो दूसरे के लिए सुनहरा मौका है। कैसे? अब आप इसको समझिए। सबसे पहले हम जितने भी रिटेलर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है इजी टू कीप इन माइंड, अपने दिमाग में इसको रखना बड़ा आसान है। अब रेजिस्टेंस जैसे हम लोग कहते हैं कि 45,720 पर मार्केट वापस आ रही है, तो 47,720 कहना तो हम लोगों के लिए डेटा का काम है, लेकिन आपके लिए वो 47,700 कहना ठीक है। क्यों? क्योंकि 700, 300, 200 ये याद करना आपके लिए आसान है, इजी रहता है आपके दिमाग में ना। ट्रैफिक, जैसे ही यहां पे मार्केट पहुंचती है ना, अचानक से मार्केट में एक वॉलेटिलिटी पैदा हो जाती है, अचानक से ट्रैफिक आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन को लगता है कि यार मार्केट को ना इस लेवल तक लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब तक इस लेवल पर लाओगे नहीं, तब तक ये जो रिटेलर हैं, जो फ्रॉग जंपिंग स्टाइल मेढक चाल चलने वाले लोग हैं, तब तक कूद के यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल रूप से इस बारे में सोच रहे हैं कि ये वाले लेवल पर आ जाए तो मैं एंट्री एग्जिट बनाऊंगा। ऑपरेटर सोच रहे हैं इस लेवल पर लेकर जाओ, ये वहीं पर कूदेंगे। बात को मेरी फिर समझो क्या कह रहा हूं। यहां पे आपको लग रहा है कि 45,300 पे आ जाए तो मैं एंट्री करूंगा, और ऑपरेटर यहां तक लेकर आ रहा है कि आपको एंट्री करवाए, क्योंकि तो साइकोलॉजी उनकी ये है कि तुमको कूदवा है, और तुम्हारी साइकोलॉजी है कि मैं कूदूं। एक कूद कर पैसा दे रहा है और एक ऊपर से ला ही इसलिए रहा मार्केट में कि यहां पर आप कूदोगे और आपका पैसा वो ले। तो साइकोलॉजी ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया, यही कारण है यहां पर इसको जोन एंट्री मानी जाती है। यहां पर ये लोग सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया, ब्लॉक एरिया, इन सबसे कोई मतलब नहीं है,
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ से मतलब नहीं है, बस क्या मतलब है कि 45,300 पे आ जा रही है, 45,300 पे एंट्री मारेंगे, अगर ऊपर जाएगी तो 45,500 तक, नीचे जाएगी तो 45,100 तक। ये इनकी बेसिक साइकोलॉजी, और इसी साइकोलॉजी का फायदा कौन उठा ले रहा है? ऑपरेटर उठा ले रहे हैं। तो आपने क्या समझा कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग क्या? मैंने आपको बताया माय डियर, साइकोलॉजी ट्रेडिंग इज नथिंग, साइकोलॉजी ट्रेडिंग इज ऑनली अबाउट कि मार्केट एक लेवल पर हो, इसी लेवल पे अचानक से वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, इसी पे अचानक से जोन एंट्री बढ़ जाती है, इसी पर अचानक से ट्रैफिक बढ़ जाती है, इसी पे अचानक से लोगों का बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन खटाखट खटाखट रैंडम होने लगता है। यही कारण है वॉलेटिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है, यही कारण है कि वहां पर एंट्री और एग्जिट पे इंपैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी ट्रेडिंग पर लोग काम कर रहे हैं। अब साइकोलॉजी ट्रेडिंग को लेकर के लेवल्स पर मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स दे देता हूं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप समझ जाएंगे कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग लेवल्स पर कैसे होती है ना। तो उस समय तो मैंने आपको जो बताया वो उसका वह बिंदु था जहां पर लोग ट्रैप्ड होते हैं ना। सबसे ज्यादा साइकोलॉजी ट्रेडिंग लेवल्स पर ही ट्रैपिंग जोन बनता है। अगर आप एक्चुअल लेवल नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो आप वहां पर 100% बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, अगर आपको एक्चुअल लेवल नहीं आता निकालना, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खींचना नहीं आता, तो आपको मैंने दो बिंदु तो दिया है ना, ये पीछे जाकर के पूछताछ सीरीज को देखिए, मैंने पूरा पढ़ाया है। और दूसरा मैंने आपको बिंदु दिया है कि इसके नीचे जाइए और आप जाकर के फाइंड करिए स्थाना ट्रेडिंग स्कूल को, ऐप आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूछताछ सीरीज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, सैटरडे को लाइव क्लास आपके साथ जुड़ रहे हैं, वहां पे पढ़ लीजिए। और अगर आपको लगता है शून्य से लेकर अंत तक पढ़ना है, तो 5,000 रुपीज में हमने आपको एक अल्टीमेट ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स डिजाइन कर दिया है, वहां पर जाकर आप उसे परचेज कर लिए, 7 डेज के लिए हम आपको ऑफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम पर चलिए, टाइम फ्रेम पर आप लोग थोड़ा सा 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपने साथ लेकर चलिए। साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग पर हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि 5 मिनट और 15 मिनट इज मैक्सिमम। और मैं अगर आपको ये बोलूँ ना, तो मैं आपको सिंपल कहूंगा कि दैट इज कंप्लीटली ट्रैपिंग जोन। आप यहां पर दो साइकोलॉजी बिल्ड करिए, एक ऑपरेटर कैसे सोचता है उस पर काम करना सीखिए, और दूसरा अवॉइड कर दीजिए। जो भी गेम होना होगा ना, वो यहीं पर होता है रिटेलर्स बेचारों के साथ। आपको क्या करना है कि आप सोचेंगे कि साइकोलॉजी बेसिस पर ऑपरेटर क्या सोच रहा है, आप उस लेवल पर बात करेंगे ना, सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप ऑपरेटर के दोस्त हो जाएंगे और आप क्या करेंगे, अच्छा पैसा अर्न कर देंगे। तो कोशिश करिए, मैंने आपको जो दो साइकोलॉजी बताई है ना, इसके बियॉन्ड वहां पर जाकर सिर्फ दो चीज करिए। पहला, ऑपरेटर कैसे सोचता है, मार्केट के स्ट्रक्चर कैसे सोचता है, मार्केट की साइकोलॉजी और ट्रेंड क्या कहते हैं, उसके बिहाफ पर सोचना और ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। और दूसरा, अवॉइड द लेवल ट्रेडिंग, जहां पर अपने वो लेवल पर आ रही हो ना, वहां पर अवॉइड कर देना ही सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप ट्रैपिंग से बच जाएंगे। इज इट फाइन? तो ये मेरे दो मंत्र ना एकदम गार्ड बांध कर रखिएगा, और जब भी लाइव मार्केट रहे ना, तो वहां पर जो इसको एक्सरसाइज करके देखेगा, आपको खुद लगेगा कि आप साइकोलॉजिकल कितने मजबूत हो गए। बस डिसिप्लिन रखिएगा कि लेवल के पास एंट्री और एग्जिट से बचिए ना, और ट्राई करिए कि ऑपरेटर कैसे सोच रहा है। चलिए, एंट्री, एंट्री का ध्यान कौन लगा लेता है? अब देखिए वो लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 45,300 पे मार्केट आ रही है नीचे से ना, वो फटाक से वो क्या करेंगे, 5 मिनट और 15 मिनट का क्या करा लेंगे, कैंडल लगा लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे एंट्री क्या करेंगे, बस कुछ कैंडल्स पढ़ के ना, उनको लगेगा कैंडल्स पढ़ लिया हमने, अब तो फिर मौज ही मौज है। अगर आपने कैंडल पढ़ लिया तो आपको समझ में आया, तो थोड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर पे मजबूत बनो। आपको नहीं लगता कि आपने कैंडल पढ़ लिया तो दूसरे ने महारत रखी कैंडल? और अगर कैंडल इतनी पावरफुल होती, वो 100% सिग्नल दे रही होती, तो हर व्यक्ति उसको ग्रंथ की तरह ना रियाद कर डालता, और जिंदगी में कभी 10 में से 9 लोग तो बेचारे नहीं मारे जाते। लेकिन उनको क्या करना है, कैंडल पर काम करना है, फिर फटाक से एक रेजिस्टेंस खींच लेंगे, फटाक से सपोर्ट खींच लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिकों की कि वो इसी को रेजिस्टेंस मानेंगे और इसी को सपोर्ट मानेंगे। मार्केट नीचे से आ रही होगी तो उनको लगेगा यहां से सपोर्ट हो जाएगा, और अगर नीचे से आ रही होगी तो उनको लगेगा यहां से रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एग्जिट, एग्जिट के लिए उनका कोई लेवल ओवल नहीं होता, वो एग्जिट के लिए सोचते हैं कि भैया जैसे ही लेवल चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा, हम वहां पे एग्जिट कर लेंगे। ये एक साइकोलॉजी होती है पॉजिटिव। और इन महान बुद्धि लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है कि 300 पे गई है 400 पे निकालेंगे, मतलब वो लेवल पे लेवल पे ही काम करते हैं, क्योंकि आसान होता है याद करना। तो मैं दोनों चीज बता रहा हूं, एक पॉजिटिव कॉल के लिए बता रहा हूं और दूसरा एक निगेटिव कॉल के लिए बता रहा हूं। पॉजिटिव कॉल के लिए बता रहा हूं कि आप लोग 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल लगा लीजिए,
बेहतर स्ट्रांग रेजिस्टेंस खींचिए, स्ट्रांग सपोर्ट खींचिए और कैंडल की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखिए। दूसरे लोग क्या करेंगे, कैंडल्स पर काम नहीं करना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट खींचना नहीं आता। दोनों वैज्ञानिक स्तर पर मैं तुलना करते हुए चल रहा हूं, ये आपके लिए गोल्डन रूल भी हो जाएगा। यहां पर स्टॉप लॉस, कैंडल रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लगाने के तीन कंडीशंस को ध्यान में रखिए। कैंडल अगर आप ऊपर की ओर जा रही है मार्केट, कैंडल चेंज हो रही है, वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, मार्केट शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, अपने सेंटिमेंट दूसरे के हाथ में देने की कोशिश कर रही है, तो वहां से बिना सोचे समझे एग्जिट करिए, प्रॉफिट पहले बुक करिए। दूसरा, अगर वो अपने रेजिस्टेंस एरिया के नजदीक पहुंचा है और अगर वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है तो बिल्कुल ये मत सोचिए, बिल्कुल मनोविज्ञान स्तर पर ही मत सोचिए कि मैं होल्ड करूंगा ना, तुरंत वो सोचिए कि अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है तो वहां से बाहर हो जाइए। अगर आप किसी बच्चे को लगता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है, तो जितने मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं वो जाकर के इससे प्रीवियस की वीडियो को देखिए जहां पर मैंने एक्चुअल लेवल को ड्रॉ करते समय स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को खींचना सिखाया है। फिर है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में आप 1:3 लेकर के चलते हैं या फिर आप अपने कैंडल का 2x ऑफ स्टॉप लॉस ले रहे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कैंडल पर स्टॉप लॉस लिया है 20 अंक का, तो आप लगभग 40 से 60 अंक का अपना लेवल डिसाइड कर लेते हैं। ये तो हो गई स्मार्ट पढ़ाई। लेकिन जो लोग इसके अलग हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि हम एक एग्जिट एंट्री करेंगे एक लेवल पर और एक लेवल पर एग्जिट कर जाएंगे, उनका साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, 45,300 पर साहब एंट्री करेंगे, 45,400 पे निकल जाएंगे, 45,500 पे निकल जाएंगे, ये उनकी साइकोलॉजी होती है। इज इट फाइन। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि होता क्या है। अब जैसे ही मार्केट आपके साथ गेम करनी होती है तो क्या करती है, यहां से मार्केट नीचे आ रही होती है। अब नीचे आ रही होती है तो इसका मतलब यहां पे कौन आ रही है साहब, सेलर्स आ रही है। अब जैसे ही यहां पे नीचे आती है तो देखिए हमने एक सपोर्ट लाइन खींचा हुआ है। अब सपोर्ट लाइन का मतलब मैंने आपको दो भाग में बांटा है, एक बेसिक सपोर्ट होता है और एक स्ट्रांग सपोर्ट होता है। अब अगर ये बेसिक सपोर्ट 45,200 के पास है, लेट्स एक एग्जांपल 45,200 के लेवल पर है, तो याद रखिएगा यहां से इस कैंडल को ध्यान में रखते हुए, जैसे ही उनको लगा कि अरे यार हैमर कैंडल बन गई है अब तो मार्केट यहां से अपसाइड जाएंगी ना, तो वो तुरंत यहां पर इसी लेवल पर अपनी एंट्री बना लेते हैं। यहां पर ट्रैपिंग सबसे ज्यादा होती है, यहां पर ही सबसे ज्यादा फॉल्स कैंडल ड्रॉ होती है। क्या सबसे ज्यादा फॉल्स कैंडल यहीं पर ड्रॉ होती है, क्यों, क्योंकि जोन पर आ गया 45,200 पे आ गया, यहाँ पे 45,400 है, यहाँ पे 45,600 है, फिर 300, 400, 500, 600 जो आप देख रहे हैं ना, ये साइकोलॉजी ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। लोग यहीं पर सबसे ज्यादा एंट्री करते हैं, सबसे ज्यादा एग्जिट करते हैं, सबसे ज्यादा हलचल यहीं पर करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये किसी वजह से यहाँ पे एंट्री की है, फिर यहाँ पर देखिए एक ऐसे ऐसे करके मार्केट घूमने लग गई। अब उनको वीक रेजिस्टेंस वीक सपोर्ट इन सबसे कोई मतलब नहीं, बस उनको इस बात से मतलब है कि ये साइकोलॉजी सिर्फ एक चीज पर काम करता है, मनोविज्ञान, उनका दिमाग जो कह रहा है। अब मैटर करता है वो शायद कोई वैज्ञानिक तो है नहीं, उनके पास कोई डेटा तो है नहीं, उन्होंने कोई रिसर्च तो किया नहीं है, उनका दिमाग जो कहता है वो उसी तरीके से काम करता है। लेकिन जो इसके बियॉन्ड जो दूसरा मैंने स्ट्रक्चर खींचा वो क्या खींचा, उनका भी दिमाग वही कहता है लेकिन उनके पास परफेक्ट डेटा है, उनके पास एक अच्छा रिसर्च है, उनके पास एक अच्छी टेक्निकल जानकारी है, तो उसके हिसाब से उनका जो ब्रेन कहता है। तो दोनों ब्रेन में क्या अंतर मिला, दोनों मनोविज्ञान में क्या अंतर मिला, यहां वाले बेचारे को जो लगता है वो करता है जो लगता है, और यहां वाले बेचारे को क्या लगता है कि भैया टेक्निकल क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, सपोर्ट क्या कह रहा है, ओआई क्या कह रहा है, डेटा एनालिसिस क्या कह रहा है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस स्ट्रांग सपोर्ट कहां कह रहा है, यहां पर मार्केट इतनी देर तक वोलेटाइल क्यों है। उनको पता है कि यहां पर एक वीक एरिया है, यहां पर फिर से वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में प्राइस करेक्ट करेगी और फिर से मार्केट एक बायर्स के हाथ में रहेगा। लेकिन यहां पर जैसे ही पहुंचेगा, मान लेते हैं 45,400 अगर यहां होता तो फिर मार्केट में एंट्री हो गई होती, मार्केट यहां से ऐसे करके ऊपर आ रही है, फटाक से लोगों को लगता कितना ऊपर आएगी, देखो मनोविज्ञान आया है इसके दिमाग में, कितना ऊपर आएगी साहब, यहां से तो नीचे जाएगी। अब यहां पर जितने भी लोग एंट्री किए होंगे ना रिजर्व रिवर्स के लिए, वो सब मारे गए होंगे क्योंकि यहां से मार्केट फिर एक मूव ले ली। यही चीज ऊपर वाले के लिए भी आप सोच लीजिए, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस के पास जैसे ही कोई चीज पहुंचती है वैसे ही लेवल ट्रेडिंग पर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ड्रॉ हो जाता है कि साहब यहां से मैं अपनी एंट्री कर रहा हूं। तो यह पूरे पिक्चर को अगर कंक्लूड करके अगर इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूं, तो इस बात को विशेष रूप से समझिएगा, दो पक्ष समझिएगा। साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग इज द मोस्ट पावरफुल टूल। अगर आप वैज्ञानिक स्तर पर काम करें, मतलब रिसर्च बेस्ड पर काम करें, ऑपरेटर बिग एंटरप्राइज के बिहाफ पर सोचना सीख जाएं, तो आप इससे अच्छी ट्रेड
पूरे लाइफ आप इस पर एक्सरसाइज करते रहिए। दूसरा, उनका हमेशा लाभ उठाइए जो किसी एक लेवल पर ट्रैपिंग में फंस जाते हैं, उनका हमेशा इंतजार करते रहा करिए जो वो स्वयं से आकर के आपको अपना पैसा चढ़ावे में चढ़ा जाएंगे। तो मनोविज्ञान स्तर यहां पर दो स्तर पर आया। पहला, या तो बिल्ड करिए कि प्रोफेशनल मनोविज्ञान क्या होता है, जिनके पास एक अच्छा DI, एक अच्छा डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं DI को, टोटल सारा डेटा का खेल है, इनका मनोविज्ञान क्या है, या तो इस पर काम करिए तो आप 100% बहुत अच्छा जा रहे हैं, और अगर आप इनके मनोविज्ञानिक स्तर पर हैं तब तो आप टोटल लॉस पे आएंगे, क्योंकि इनको एक लेवल पर एंट्री करनी है, बेसिक रेजिस्टेंस सपोर्ट पर इनको गेम करना है, और सारे ऑपरेटर सारा कुछ इसी साइकोलॉजिकल लेवल पर करते हैं, वहीं फेक कैंडल बनाते हैं, वहीं पर बिग कैंडल बनाते हैं, वहीं पर ऑपरेटर सिखाते हैं कि बस भैया मैं तुम्हारे अनुसार ही चलने वाला हूं, और ये साइकोलॉजिकल वहां पर ग्रसित हो जाते हैं, और उसके बाद जो होता है वो सेबी आपको सब कुछ क्लियरली देता है लिख करके ना, मनोविज्ञानी के स्तर पर आपको काम करना है। दूसरा, अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, अभी आपने इसमें करियर स्टार्ट किया है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी इसमें प्रोफेशनली सीखने के लिए मैंने ऑप्शन तो दे दिया था ना, ट्रेडिंग स्कूल पर जाइए सीख लीजिए, 5,000 रुपीज कोई बहुत बड़ा क्लास का पैकेज नहीं है जितना हम आपको वैल्यू एड करके दे रहे हैं। दूसरी चीज मैंने साफ शब्दों में कहा कि लेवल के नजदीक पर अवॉइड ट्रेडिंग, ट्रेड ही अवॉइड कर दो, पिक्चर को अपने अनुसार बनने दो, वहां पर बेमौत जो मारे जाएंगे वो चढ़ावा चढ़ा चुके होंगे, फिर मार्केट जब एक नई पिक्चर बना रहा हो तब वहां पे आप एंट्री कर जाएंगे। इज इट फाइन? तो इस उम्मीद के साथ कि मैंने आप लोगों को जितना आपने क्वेश्चन पूछा उसके बिहाफ पर मैं ज्यादा से ज्यादा आपको दे पाया, नहीं तो मैं क्वेश्चन तो वहीं पर ही साइकोलॉजिकल बेस्ड बता करके स्विच ऑफ कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा मैं उस पॉइंट पर बता सकूं उससे आपको मैं हेल्प कर पाता हूं। बाकी इस शनिवार को पूछताछ सीरीज पर 7:30 पर स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस के बारे में एक वाइड चर्चा है, आप सभी लोग जाकर पूछताछ सीरीज को रजिस्टर कर लीजिए। शाम को 7:30 बजे शनिवार के दिन हमारी आपकी लाइव मुलाकात होगी। नीचे बोर्ड लाइन नंबर पर अगर कोई समस्या आती है तो आप उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, सफल बने रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।